इस वीडियो में हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में जानेंगे, जिसको अर्ली डिस्चार्ज या शीघ्र पतन भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वजाइनल पेनिट्रेशन के पहले यानी इंटरकोर्स से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। तो इसके कौन से कारण हैं और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है तथा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेनिस को वजाइना के अंदर डालने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहलाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज़ ए वेरी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम दैट अकर इन मैन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है। अराउंड 20-30% ऑफ मैन हैव अ फीलिंग दैट दे हैव दिस प्रॉब्लम, बट इट विल सरप्राइज यू दैट ओनली 1-3% ऑफ मैन एक्चुअली हैव दिस प्रॉब्लम। 20-30% पुरुषों को ये लगता है कि वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से अफेक्टेड हैं, यानी ये जो बीमारी है उससे वो अफेक्टेड हैं। लेकिन ये आपको जानकर के हैरानी होगी कि केवल 1-3% पुरुष ही एक्चुअली में इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। वी विल कॉल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एज अ डिजीज ओनली व्हेन इजैकुलेशन अकर बिफोर 21 मिनट बिफोर वजाइनल पेनिट्रेशन। हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को डिजीज बोल सकते हैं, लेकिन तभी बोल सकते हैं जब इजैकुलेशन आपकी इच्छा से 1 मिनट पहले हो, यानी आप चाह रहे थे कि वजाइनल पेनिट्रेट करें यानी पेनिस को वजाइना के अंदर डालें, उससे 1 मिनट पहले ही डिस्चार्ज हो गया, तो इसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। इट मस्ट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड शुड परसिस्ट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ एंड अलॉन्ग विद दिस बोथ पार्टनर मस्ट फील दिस देन वी कैन से इफ इट एज अ डिजीज। लेकिन ये बार बार लगभग 6 महीने तक हो, ये जो 1 मिनट से पहले अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो ये लगभग 6 महीने तक अगर ऐसे हो रहा है और ये दोनों जैसे जो पार्टनर है उसको भी महसूस हो रहा है, दोनों लोगों को महसूस हो रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तभी इसको हम डिजीज़ कह सकते हैं, वरना ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके कारण देखते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कौन कौन से कारण हैं। तो इसको हम दो तरह से देखते हैं, एक साइकोलॉजिकल कारण और एक फिजिकल यानी शारीरिक कारण। तो जो साइकोलॉजिकल काजेज है वो देखते हैं। पहला है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। इसमें क्या होता है कि आप पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो आपके एक्साइटमेंट की वजह से भी डिस्चार्ज जल्दी हो सकता है, यानी इजैकुलेशन जल्दी हो सकता है, तो एक ये कारण है। रिलेशनशिप इशू, अगर आपसे पार्टनर से झगड़ा हुआ है या किसी चीज़ से मन मुटाव है तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर डिप्रेशन है किसी चीज़ का या स्ट्रेस है तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। फोर्थ है अनप्लीजेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ में सेक्सुअल हरास हुआ है या किसी तरह से आपको दिक्कत हो रही है तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। फिफ्थ है ड्रग अब्यूज़। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, कोडीन, कोकीन या किसी भी नशे वाली या नारकोटिक मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के कारण ज़्यादा रहते हैं। फिजिकल कारण में है लैक ऑफ सेंसेशन। जैसे आप मान लीजिए डायबिटीज़ या किडनी के या हार्ट के पेशेंट हैं तो तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ सेंसेशन होता है, सेंसेशन की कमी आ जाती है। इन्फेक्शन है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है या यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के। अब हम टेक्निक देखते हैं कि कौन सी टेक्निक अपना करके हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। इन द स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक व्हेन यू फर्स्ट गेट अ फीलिंग दैट यू आर अबाउट टू इजैकुलेट। जैसे आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप पेनिस वजाइना के अंदर डाल दिए हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि अब इजैकुलेशन होने ही वाला है, तो आपको क्या करना है। यू हैव टू टेक अ ब्रेक बाई विड्रॉइंग द पेनिस फॉर 20-30 सेकेंड, टेक डीप ब्रीथ एंड देन रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी।
तो जब आपको ये लगे कि अब इजैकुलेट हो जाएगा तो ऐसे में आपको पेनिस को वजाइना से बाहर निकालना है और एक ब्रेक लेना है 20 से 30 सेकंड तक, और एक लंबी सांस लेनी है। उसके थोड़ी देर के बाद में फिर से पेनिस को वजाइना के अंदर डाल करके सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। ऐसे कई बार आप दोहराते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वो ठीक हो जाएगा, यानी ये इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। दूसरा है स्क्यू टेक्निक। इन दिस व्हेन यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर अबाउट टू इजैकुलेट, यू शुड इंडिकेट दैट टू योर पार्टनर एंड सी विल होल्ड योर पेनिस बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स। इस टेक्निक में आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व रहेगा। जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, वजाइना के अंदर आपकी पेनिस है और आपको ये लग रहा है कि इजैकुलेट होने ही वाला है, तो ऐसे में अपने पार्टनर को इंडिकेट करें कि वो अपनी उंगली से आपकी पेनिस को पकड़ करके स्क्यूज करें, यानी दबाए, जिससे क्या होगा कि आपका जो इजैकुलेशन है वो डिले हो जाएगा। पेनिस को कैसे पकड़ के दबाना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो डायग्राम में शो हो रहा है। तो इसी तरह से अपने उंगली और अंगूठे को रख करके पेनिस का अगला भाग दबाना है, जिससे जो इजैकुलेशन है वो डिले हो सकता है। उसके बाद में फिर से आप पेनिस को वजाइना के अंदर डालें और सेक्सुअल एक्टिविटी यानी इंटरकोर्स करें, जिससे अगर ये बार बार करने से जो आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, वो ठीक हो जाएगा, उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। अब मेडिसिंस देखते हैं कि कौन सी मेडिसिंस का यूज करना है। ये तो टेक्निक है, आप अगर इससे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं सही हो पा रहा है, ये जो टेक्निक है इसको आप सेक्स के दौरान ट्राई करेंगे तो मुश्किल लग रहा है कि कर ले जाएँ, आप इसको मास्टरबेशन के दौरान कर प्रैक्टिस का कर सकते हैं। जो टेक्निक बताई गई है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक और स्क्यू टेक्निक का। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। कैन मास्टर बेट टू हार्स बिफोर इंटरकोर्स। अगर इंटरकोर्स करने से पहले, दो घंटे पहले अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है उसका टाइमिंग बढ़ सकता है। इजैकुलेशन का जो टाइमिंग है, जैसे अगर एक मिनट है तो एक से डेढ़ मिनट, दो मिनट हो सकता है अगर आप मास्टर बेट दो घंटे पहले कर रहे हैं तो। सेकंड है बेरिंग अ कंडोम, बिंजो कैन कंडोम कैन बी यूज्ड। आप कंडोम ऐसा पहने जिससे क्या होता है कि कुछ टाइमिंग बढ़ जाती है, बिंजो कैन लुब्रिकेंट लगा होता है उसके कारण टाइमिंग बढ़ जाती है इजैकुलेशन की। जैसे कि मार्केट में ड्यूरेक्स वगैरह आता है तो ये बिंजो कैन ही होता है जिससे टाइमिंग बढ़ जाती है। थर्ड है एनास्थेटिक ऑइंटमेंट, न्यूप्रकेनल रब्ड इनटू द हेड ऑफ द पेनिस। एक एनास्थेटिक ऑइंटमेंट होता है जिसको पेनिस के हेड पर मालिश करने से क्या होता है कि जो सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है, जिससे टाइमिंग बढ़ जाती है इजैकुलेशन की। ट्राई पार्टनर ऑन टॉप पोजीशन, और आप अपने पार्टनर को अपने ऊपर, मतलब पे वो आपके ऊपर रहे, ऐसे में भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी कुछ हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि जब आप उसके ऊपर रहते हैं तो ऐसे में फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। लेकिन जब पार्टनर आपका ऊपर रहेगा तो ये भी कुछ टाइम बढ़ा सकता है इजैकुलेशन का। टेक अ डीप ब्रीथ बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले आप पेनिस को बाहर निकाल करके एक लंबी सांस लें, उसके बाद में फिर वजाइना के अंदर पेनिस को डालें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ सकता है। अगर ये सब करके भी आपका टाइम नहीं बढ़ रहा है तो मेडिसिन है उसका यूज करना चाहिए। ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है ये सीरोटोनिन के इम्बैलेंस के कारण ही होता है, तो इसका लाइफ लॉन्ग अगर इलाज देखा जाए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का, तो वो सबसे अच्छा है SSRI। ये क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर, यानी एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन होती हैं उसको दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, क्योंकि सेरोटोनिन की वजह से ही उसके इम्बेलेंस के कारण ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। अब टेबलेट है डेपोक्सटीन 30 mg, तो इसको आप ले सकते हैं, या प्रोएक्सटीन 22-40 mg, इस टेबलेट को आप ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में हेल्प करेगा। एक टेबलेट है डेपोक्सटीन एंड सिलिंडाफिलिन, दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, आप इसको ले सकते हैं। और ये टेबलेट सेक्सुअल एक्टिविटी से एक घंटे पहले लेनी है।
इजैकुलेशन डिले यूजुअली आकर विथिन 5 to 10 days सो टेक 2-3 weeks टू सी द इफेक्ट। ये जो टेबलेट आप ले रहे हैं इससे तुरंत रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, इसका तुरंत इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका इफेक्ट आने में कम से कम 5 से 10 दिन लग सकता है। तो इसलिए इस टेबलेट को आप 2 से 3 वीक तक लगातार ले सकते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, स्लीपनेस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट बढ़ सकता है, वेट घट भी सकता है, मोशन, स्टमक पेट में इरिटेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और आपको ये टेबलेट 1 घंटे पहले लेनी है सेक्सुअल एक्टिविटी से। वार्निंग देख लेते हैं, दिस वीडियो इज़ मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, यह आपके लिए घातक हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।